हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। बात करते हैं उमर रियाज का मेरा सफ़र सॉन्ग। सॉन्ग ये ऐसा सॉन्ग जिसे बिग बॉस से निकलने के बाद, जिससे ऐसे बिग बॉस से निकला पूरा भड़ास उसे अब जाके निकाला, तो इस सॉन्ग में पूरा उसका जो भड़ास था वो निकली हुई है, और जो भड़ास एकदम परफेक्ट जगह पर टच हुई है। और जिस तरह से सिंगिंग का बात करें, उमर रियाज ने खुद गाया है तो लाजवाब, ऐसा लगता नहीं कि नॉन सिंगर गा रहा है। चोटी को समझते कि कुछ ना कुछ टेक्निकल किया होगा या नहीं किया होगा वो तो नहीं जानते, बट किया भी होगा तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस तरह से गाना गाया है, अव्वल नंबर का गाना गाया है। एज अ सिंगर मैं उसे तो आउट ऑफ 5 ज़रूर 4 रेटिंग तो ज़रूर दूंगा, 5 पूरे नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये बायसनेस हो जाएगी कि भाई तुमने तो बायसनेस किया कि 5 तो किसी बड़े सिंगर को दे सकते हैं, तो सिंगर तो नहीं है इसलिए मैं इसे 4 ज़रूर दूंगा। बट जितना भी है एज अ नॉन सिंगर के हिसाब से देखो तो इसको मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा। और जिस तरह से म्यूज़िक का जो वीडियोग्राफी है ज़बरदस्त है, और रॉज किला ने जिस तरह से म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है ज़बरदस्त है, एकदम पैसे की कमी कुछ नहीं। दुबई में जाके शूटिंग की है, क्लियर लग रहा है दुबई का लोकेशन लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, एकदम माइंड फ्रेश हो गया देख के। और मैं तो बहुत 11 बजे से पहले से वेट कर रहा था कब आएगा। जैसे ही 11 बजने आ रहा था मैं कुछ काम में बिजी हो गया, देखा तो अरे बराबर 11:03 हो गया। मेरा 11:03 हो गया, अरे यार चालू करो, फटाफट चालू किया। अभी डायरेक्ट मैंने चलो अभी डायरेक्ट पब्लिक के साथ देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरा अभी वीडियो अपलोड होते होते लेट हो गया होगा क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है। रिएक्शन और मैंने रिव्यू पहले ही करके रख दिया था, सिर्फ अपलोड करने के लिए और टाइम हो जाता है। तो ये एक्चुअल में उमर रियाज के लिए एक बेंचमार्क होगा। जिस तरह से प्रतीक का एक गाना आया था तो प्रतीक का गाना भी इतना बुरा नहीं था, मतलब ठीक था, लेकिन उसमें प्रतीक के बोल नहीं थे। जब तक हमारे फेवरेट्स हम जिसको देखना चाहते उनके कोई लाइन नहीं होगी, उनके कुछ बोल नहीं होंगे, कुछ गाएगा नहीं, तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बराबर। तो प्रतीक का जो पिछला वीडियो था उसमें मैं यही बात पहुँचाना चाहता था प्रतीक के फैंस को कि उसमें प्रतीक के बोल नहीं थे। जब तक हम जिसे चाहते, जैसे कि मैं पर्सनली मुझे उमर रियाज और प्रतीक दोनों पसंद है, साथ में करण कुंद्रा भी पसंद है, तो ये 3 बंदे ऐसे थे। तो इन लोग के अगर मैं इन लोग को ज़्यादा देखना चाहता, इन लोग का स्क्रीन प्रेजेंस में इन लोग ज़्यादा मुँह हिलाए, बात करे या गाना गाए, मैं वो देखना चाहता था। लेकिन प्रतीक के गाना आने से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि उसका बोल नहीं था, सिर्फ फीमेल सिंगर था, मेल सिंगर नहीं था। यहाँ पे उमर रियाज का मैं देख रहा हूँ तो उमर रियाज का इसमें तो पूरा उमर रियाज ने खुद गाया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और अच्छा लग रहा है। और प्रतीका जगह दूसरा मेरा नैना मेरा गाना लॉन्च हो अभी आउट हो गया है, तो वो भी मैं अभी देख के उसका भी मैं आपको रिव्यू और रिएक्शन दे दूँगा। और रही बात उमर रियाज का मुझे एक थोड़ा ये लगा कि उसको तो रश्मि का नाम लेना चाहिए था, तेजस्वी का भी नाम ले लेता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ले लेना चाहिए था रश्मि का, तो ले लेना चाहिए था रश्मि का, नहीं लिया उन्होंने जिसका लेना था राजीव और के काफ़ी है, और रश्मि समझ जाएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाना ज़बरदस्त, वीडियो ज़बरदस्त, सिंगर ज़बरदस्त, सब कुछ ज़बरदस्त। इसमें मैं इस गानों को 5 में से 5 नंबर दूंगा, 5 में से 5 इस गाना को दूंगा, क्योंकि ये गाना सुपर्ब बोले तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बोले तो हम एंटरटेन हुआ। उमर रियाज का जर्नी में जो उसको जो सफ़र किया उसने, जो मेरा सफ़र लाया वो हमें देखने को मिला, सबको जानने को मिला। अभी जो तेजस्वी करण कुंद्रा जो इतना नहीं जाने होंगे उन लोग भी वीडियो देख के जान जाएंगे, अरे भाई उमर रियाज का था कुछ ज़बरदस्त वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी वीडियोस में लाते रहूँगा, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।